14 जून 2020 ये वो दिन था जब इस खबर ने पूरे देश के लोगों को हिला करके रख दिया था। लेकिन आज तक किसी को ये बात नहीं पता चली कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या ये सच में सुसाइड था या फिर प्लान किया हुआ मर्डर जिसे उस 14 जून के दिन अंजाम दिया गया था। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर उस दिन यानी 14 जून की सुबह हुआ क्या था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि इस पूरे वीडियो में या ये कहूं कि इस पूरे केस में आपको ये चार नाम बहुत बार सुनाई देंगे। पहला है सिद्धार्थ पिठानी, जो सुशांत का फ्लैटमेट होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी था। दूसरा नाम है नीरज सिंह, जो उनका नौकर हुआ करता था। इस पूरे केस में 60% घटना इसी के कहने पे मानी जा रही है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरे केस में। तीसरा है ये केशव और चौथा है दीपेश सावंत, जो सुशांत के हाउस केयर टेकर थे। तो आइए इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 14 जून के दिन हमेशा की तरह सुशांत के घर में सब कुछ नॉर्मल था। सुबह के 6:30 बजे सुशांत सिंह सोकर उठते हैं और अपने डेली काम पर लग जाते हैं। हमेशा की तरह नीरज सुशांत के डॉग को वॉक पर ले जाता है और करीब 8 बजे जब वो डॉग को वॉक करा के घर वापस आता है, तब सुशांत नीरज को रोक के उसे एक ग्लास ठंडा पानी लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद नीरज फौरन जाके सुशांत के लिए एक ग्लास ठंडा पानी ले आता है। फिर सुशांत नीरज से कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब देने के बाद नीरज कमरे से बाहर चला जाता है। और ये आखिरी बार था जब वो सुशांत के कमरे में गया था। इसके बाद वो बाकी काम करने के लिए चला जाता है। और अब इस सीन में करीब 9 बजे एंट्री होती है केशव की, जो सुशांत के पास ये पूछने के लिए गया था कि ब्रेकफास्ट में वो क्या लेने वाले हैं, जिसपे सुशांत सिंह ने एक जूस, नारियल पानी और एक बनाना लाने के लिए कहा था। जिसके बाद केशव उन्हें ये सब लाकर देता है, जिससे वो सिर्फ नारियल पानी और जूस लेते हैं और दीपेश को ये कहकर वापस भेज देते हैं कि वो बनाना अभी नहीं लेंगे, थोड़े टाइम बाद लेंगे। फिर इसी के साथ 9:30 बजे उन्होंने अपनी बहन से कॉल पर बात भी किया, जिस पर डिप्रेशन में होने के कारण उनकी बहन उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट भी कर रही थी। अब यही वो समय था जहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आता है इस कहानी में ट्विस्ट। करीब 10:30 बजे सुबह केशव सुशांत के बेडरूम में ये पूछने के लिए गया कि आज दोपहर में वो क्या खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ केशव को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी कि डोर बंद था, क्योंकि स्टाफ का ये कहना है कि अकेले रहने पर वो कभी भी डोर को बंद नहीं रखते थे। अब केशव के नॉक करने के बाद भी जब डोर ओपन नहीं किया सुशांत ने, तब केशव ने नीरज को बुलाया और नीरज ने ये कहा कि शायद सर सो गए होंगे, तो हमें उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए दोनों ने उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब समय काफी ज्यादा बीत गया और सुशांत ने डोर ओपन नहीं किया, अब केशव नीरज ने उनके पास के फ्लैट में गए, जहाँ पहले से ही सिद्धार्थ और दीपेश कमरे में मौजूद थे और वो किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। और जब इस बात की जानकारी इन्हें दी गई, तो फौरन ही चारों ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और सिद्धार्थ ने इसी के साथ सुशांत की बहन नीतू को भी इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से सुशांत के घर की तरफ निकल जाती है। अब काफी कोशिश करने के बाद भी जब रूम का दरवाजा नहीं खुला, तो डुप्लीकेट चाबी की तलाश शुरू हो गई, जो एक हमेशा घर के बाहर वाले रूम में मौजूद होती थी। लेकिन उस दिन हैरानी की बात यह है कि वो चाबी अपनी जगह से गायब थी। खैर, ये बात इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ देर वेट करने के बाद चाबी वाले को बुलाया गया, जहाँ चाबी वाले ने लॉक की जांच करके ये बताया कि ये कंप्यूटराइज लॉक है, जिसे चाबी बनाने में करीब 1 घंटा लगेगा और तोड़ने में सिर्फ 5 मिनट। तो सिद्धांत ने सिचुएशन को देखते हुए समय कम रहने पर ताला को तोड़ने के लिए कह दिया और लगभग 5 मिनट के अंदर ही लॉक को तोड़ दिया गया, जिसके बाद ताले वाले को तुरंत ही सिद्धांत ने 2000 रुपए दिए और उसे जाने के लिए कहते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने घबराहट में भी सिद्धांत का दिमाग इतने अच्छे तरीके से कैसे चल रहा था। खैर, फिर चाबी वाले को केशव के साथ बाहर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ मौजूद है नीरज, सिद्धांत और दीपेश, जिसमें से सिद्धांत सबसे पहले अंदर गया, फिर दीपेश और नीरज, जहाँ ये तीनों क्या देखते हैं कि सुशांत एक हरे कुर्ते का इस्तेमाल करके फैन से लटके हुए थे। और ये देखने के बाद सिद्धांत ने नीरज को नाइफ लाने के लिए कहा, ताकि वो इस फंदे को काट के सुशांत को नीचे उतार सके। और फिर सिद्धांत ने ऊपर चढ़कर फांसी के फंदे को काटा, जिसके बाद सुशांत को ऐसे बेड पर लिटा दिया गया। और फिर इसके कुछ ही देर के बाद सुशांत की सिस्टर नीतू और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सुशांत की बॉडी को कूपर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इसे सुसाइड बता दिया जाता है। लेकिन अब जरा आप इन दोनों बातों को ध्यान से सुनो। जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया या देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। मेरे को अलग अलग ढंग से, मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको को कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता, वो मार लगेला अलग ढंग के था। रूप कुमार शाह ने बताया कि जब सुशांत की बॉडी को यहाँ पे लाया गया, तो उनके गले और हाथों पे चोट के निशान मिले थे, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ऐसा कोई भी निशान का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें मेंशन किया गया है कि इस पूरे एरिया में इन स्पाइट ऑफ दिस सच अमाउंट ऑफ प्रेशर, इतना प्रेशर होने के बाद में भी कोई हैमरेज नहीं है, बिल्कुल भी कोई हैमरेज नहीं है, जो थोड़ा सा डाउट रेज करता है। अब यहाँ से ऐसे कई बात है जो ये बताते हैं कि सुसाइड नहीं, ये प्लान किया गया मर्डर था। जैसे 13 जून की रात का कैमरा का रिकॉर्डिंग का बंद होना और हाथ पैर पर चोट के निशान के साथ साथ अलग तरीके से घाव दिखाई देना, साथ ही कोई सुसाइड नोट ना मिलना उस आदमी का, जिसे खुद ही डायरी लिखने का काफी ज्यादा शौक भी था। हालांकि अब तक CBI भी इस केस में काफी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई है। इसके अगले वीडियो में ऐसे कई सवाल हम देखेंगे जिसका जवाब CBI के पास भी नहीं है। ये तब होगा जब आप इस वीडियो पर 5000 लाइक पहुंचा देंगे।